Hey guys, welcome back to my channel Cuckoo's Fashion. This is me, Cuckoo. तो जो मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको मिलेगा बहुत सारा DIY वाला वीडियो और कस्टमाइजेशन वाला वीडियो. तो मेरे चैनल को प्लीज चेकआउट कीजिए. अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो आज का वीडियो एक DIY वीडियो होने वाला है. मैं जब जाती थी मेरी बुआ के घर, के घर में एक पुतला था, नेक ऐसा ऐसा होता था, तो वो देख के मुझे बहुत मतलब डर लगता था. मैं जब छोटी थी मुझे बचपन से बहुत अट्रैक्ट करता था, बचपन में डराता था, और जब थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गई तो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था कि ये कैसे हो रहा है, मतलब उसका नेक कैसे हिल कैसे रहा है. मैं उसके बारे में मैं भूल गई थी. तो कुछ दिन पहले मैं इंटरनेट सर्फ कर रही थी तो सडनली मुझे दिखा कि बॉबल हेड बोल के कुछ टॉयज मिलता है मार्केट में जिसका नेक सेम टू सेम ऐसे मतलब हिलता है. वो चीज देख के, वो टॉय का जो मैं अपने बुआ के घर देखी थी उसका मुझे याद आ गया. तो फिर मैं सोचा कि देखते हैं, मतलब इसको डिटेल में देखते हैं कि उसका मैकेनिज्म कैसा रहता है, उसके अंदर कैसा क्या चीज़ रहता है नहीं रहता है. तो फिर मैं जाके देखा कि उसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल एक मैकेनिज्म रहता है, वैसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं रहता है. ये जो बॉबल हेड टॉयज है, मतलब मुझको पता भी नहीं था इसको बॉबल हेड बोलते हैं क्योंकि इसका नेक ऐसे ऐसे होता है. तो इसके लिए मैं नेट पे गई और देखा कि इसका बहुत ज़्यादा प्राइस में ये चीज़ बिकता है. उसका मटेरियल पता नहीं कैसा, शायद प्लास्टिक का होता है या कुछ सिंथेटिक मटेरियल होता है, आई डोंट नो. इसका प्राइस में 500 से 1000 तक का मैं प्राइस देखा, तो दिस इज़ वेरी मच ओवर प्राइस मुझे लगा पर्सनली. आई डोंट नो अबाउट द मटेरियल बट मुझे लगा कि ये मतलब हम लोग बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके भी बना सकते हैं. तो मैं आज हैरी पॉटर का एक बबल हेड टॉय बनाऊंगी. तो चलिए देखते हैं. और मैं पहले ही बता दूं इसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. बहुत ही मतलब मामूली साधारण चीज़ जो हम लोगों को डेली लाइफ में इजीली मिल जाता है, मैं उसी चीज़ से बनाने का ये ट्राई करूंगी. प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिए अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो. आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. तो मेरा जो बबल हेड टॉय रहेगा हैरी पॉटर का, तो वो बनाने के लिए मुझे सिर्फ लगा है 50 रुपये. ठीक है, नॉट 500, नॉट 100, ओनली 50 रुपीज़ में मेरा बबल हेड टॉय हैरी पॉटर वाला बन गया. तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सेटिस्फाइंग वीडियो एक्चुअली. ये बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है. सो ये है फेविक्रिल का मोल्डेड जो 20 रुपये में आपको मिल जाएगा दुकान में. किसी भी स्टेशनरी शॉप से ये आप खरीद सकते हो. और ये इसके अंदर रहता है ये दो चीज़ जिसको हम लोगों को मिलाना होगा. एक रहता है रेजिन बेस और एक रहता है हार्ड नट. इन दोनों को मिलाने के बाद 40 to 45 मिनट्स में ये एकदम हार्ड हो जाता है. उसके बाद आप उसको लेके कुछ भी काम नहीं कर पाओगे. इसलिए मैं अभी इसको थोड़ा ही यूज़ करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूँगी, उसके बाद काम करूँगी और उसके बाद मिक्स करूँगी. क्योंकि एक बार अगर ये मिक्स हो जाता है तो ये बहुत जल्द सूख जाता है और बहुत हार्ड हो जाता है, उसके बाद आप काम नहीं कर पाओगे. तो इसको अभी मैं दोनों को साइड में रख दूँगी. तो इसको मैं यहाँ पे भर के साइड कर देती हूँ. और अभी हम इसको मिलाएंगे एकदम अच्छे से, आटा गूंदना जैसा इसको मिलाना पड़ेगा. बहुत अच्छी तरीके से इसको मिलाना पड़ेगा, एकदम हाथ से रगड़ रगड़ के, घिस घिस के इसको मिलाना पड़ेगा. इसमें मैं पाउडर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये पाउडर यूज़ करने में आपको आपका हाथ में ये चिप नहीं होगा, चिपकेगा नहीं, और ये बहुत सुंदर तरीके से ये मिक्स भी हो जाता है और इसके ऊपर सरफेस में एक स्मूथ फिनिश भी देता है. इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ वाटर, लेकिन वाटर यूज़ करने पे आपका हाथ में ये बहुत ज़्यादा स्टिक करेगा तो ये इरिटेशन होता है मुझे, इसीलिए मैं इसको पाउडर से मिक्स करती हूँ. तो ये आप चाहो तो वाटर भी यूज़ कर सकते हो लेकिन बहुत ही कम परिमाण में इसको यूज़ कर. ये तार को मैंने इसको फोल्ड करके इसका ढांचा एक बना के रखा था. ये दो साइड में दो हाथ बनाया है. ये रेफरेंस पिक्चर है जिसको देख के मैं ये एक ढांचा बनाया है तार को फोल्ड करके. ये तार 2 रुपये में आपको मिल जाएगा किसी भी दुकान में, किसी भी हार्डवेयर दुकान में आपको ये 2 रुपये में मिल जाएगा. तो अभी मैं इसके ऊपर इसको मास दूंगी, इसके ऊपर एक फर्स्ट लेयर मैं दूंगी ताकि इसका ढांचा, इसका कंकाल रेडी हो जाए, और उसके बाद मैं सेकेंड लेयर दूंगी. तो धीरे धीरे मैं मिक्स करूंगी इसको भी, जो पड़ा हुआ था हिस्सा इसको मैं पूरा ही ये लग जाएगा फर्स्ट कोट करने में. तो इसके मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसके ऊपर मैं इसको अच्छे से चिपका देती हूँ. एकदम पूरा तार को इसको कवर कर देना है
ताकि कोई भी हिस्सा ना दिखे ताड़ का, अच्छे से इसको एकदम अच्छी तरीके से चिप कर देना है ताकि इसके ऊपर कोई भी तार ना दिखे। अभी मैं इसको डिटेल करूँगी। सो फर्स्ट लेयर इज़ कम्प्लीट और अभी हम सेकेंड लेयर बनाएंगे। फर्स्ट लेयर पूरा एकदम सख्त हो गया है, अभी हम इसको सेकेंड लेयर में जो जैकेट और ऊपर का कपड़ा है इसको थोड़ा डिटेल करेंगे। इसके लिए मैं जल्द से जल्द इसको करने का कोशिश करूँगी ताकि ये जल्दी से सूख ना जाए। इसके ऊपर मैं डिटेल से इसको कट कर लूँगी। जब तक ये सूखेगा नहीं तो आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, मतलब नाइफ से या कैंची से काट भी सकते हो, लेकिन वंस इट इज़ गेट ड्राई तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते इसके साथ। तो जो करना होगा आपको ये सूखने से पहले करना होगा। यहाँ पे मैं जैकेट का हिस्सा बनाऊँगी। जैकेट का जो कवर है सामने का ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये जैकेट भी बन गया है। अब इसका बेस बनाना है। बेस को मैं ज़्यादा इवन नहीं रखूँगी, थोड़ा अनइवन रखूँगी क्योंकि ये मुझे चाहिए अनइवन ताकि वो थोड़ा नेचुरल लगे। एक मिट्टी के ऊपर ये खड़ा है पुतला, ऐसा ही लगे। तो इसके लिए मैं अनइवन ही बनाऊँगी, ज़्यादा इवन नहीं करूँगी। इसको बेस को मैं सेट करके उसके ऊपर इसको सेट कर दूँगी। अभी ये मुझे सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा फाइनल टच मैं दे रही हूँ। हैरी पॉटर के सर के लिए मैं ये बॉल खरीद के लाई हूँ। ये बॉल 10 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक होल करेंगे और इसके अंदर हम पूरा मेकानिज़म को सेट करेंगे। आप इसको चाकू से या कैंची से भी होल कर सकते हो, बट बी केयरफुल। उसके ऊपर हम सैंड कर मैंने नाइफ को गरम करके ये होल बनाया है, तो आप कैंची से भी या छुरी से भी कर सकते हो। इसको सैंड कर लेंगे अच्छे से। नाउ द फेस पार्ट, इसको हम डिटेल करेंगे। फेस को हम इसके लिए फिर से और एक पैकेट लग जाएगा। इसका हेयर बनाएंगे। पिक्चर को देख के मैं हेयर बना रही हूँ। हेयर, नोज़, आईज़, चश्मा, ये सब बनाएंगे। ये चश्मे का ढांचा मैं बना दिया है। ये हैंडल चश्मे का बना रही हूँ मैं। तो अच्छे से आप जो भी कैरेक्टर बनाओगे उसको अच्छे से डिटेल करना, तो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। और इसके ऊपर मैं ये हेड हमारा हो गया है, इसको साइड कर देते हैं, सूखने के लिए छोड़ते हैं। और यहाँ पे मैं बॉडी के ऊपर थोड़ा और भी मांस दूंगी क्योंकि ये गला थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, जो गले का तार है। तो इसके लिए मैं उसके ऊपर थोड़ा और मांस ऐड करूँगी। ये फोल्डेबल तार मैं 2 रुपये में ख़रीद के लाई हूँ। इससे हम बनाएंगे स्प्रिंग, जो बॉबल हेड का मैकेनिज्म है, मेन मैकेनिज्म। एक पेन को ऐसे करके मैं फोल्ड कर लूँगी उसके ऊपर और इसको अच्छे से राउंड करना है ताकि पूरा स्प्रिंग बन जाए। मतलब सर्कल वे से राउंड करना है इस तरीके से, ताकि पूरा स्प्रिंग, लंबा स्प्रिंग बनाना है ताकि हम ज़रूरत पड़ने से छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखो हमारा स्प्रिंग बहुत ज़्यादा अच्छा बना है स्प्रिंग। तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग सेट भी कर दिया है। आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो अभी इसका सर बैठा के देख लेंगे कि कैसा लेंथ बना है। ठीक ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा स्प्रिंग को, नहीं तो ये पूरा नीचे चला जाए सर। तो इसको मैं थोड़ा ही एकदम आराम से इसको बड़ा कर लूँगी। बड़ा स्प्रिंग बनाने का यही फ़ायदा है कि आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर छोटा बना लिया तो फिर आप बाद में इसको लंबा नहीं कर सकते। तो अभी ये अच्छे से फिट हो गया है और अच्छे से साइड में बबल भी कर रहा है। यहाँ पे मैं ग्लू से इसको चिपकाने का कोशिश करूँगी। पता नहीं ये चिपकेगा भी नहीं क्योंकि ये मेटल का स्प्रिंग है। तो ट्राई करेंगे, थोड़ा अच्छे से इसको टाइम देंगे सूखने के लिए। आई होप ये काम कर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है और इसको मैं पकड़ पकड़ के रखूँगी ताकि ये सूख जाए। मतलब सूखने के लिए इसको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये मेटल है, तो ये हो जाएगा। तो ये काम कर गया है दोस्तों, और ये अच्छे से भी सूख गया है, सेट हो गया है, और ये सिर हिल भी रहा है। तो मैंने इसके ऊपर स्प्रे पेंट कर दिया है वाइट कलर का। अभी इसको हम एक्रेलिक कलर से कलर कर लेंगे। एंड लेट्स रिव्यू द फाइनल प्रोडक्ट। या Thank you.
गाइस आपने देखा कि हमारा बबल हेड हैरी पॉटर कितना खूबसूरत बना है और कितना अच्छा ही इसका मुंडी हिल रहा है। आप भी कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको ये बबल हेड कैसा लगा। एंड ऑल्सो विजिट माई इंस्टाग्राम पेज, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप मेरा और भी दूसरा जो आर्ट वर्क है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू लाइक माई वर्क, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन एट फर्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।